गोल्डन सू और पिंक जैसी दोस्त हो सकती हैं, लेकिन जब एक लड़का आता है तो खेल के नियम बदल जाते हैं। बॉब का दिल कौन जीतेगी? आराम से बैठ जाओ, मुकाबला दिलचस्प होने का वादा करता है। वैलेंटाइंस डे पर पक्का इरादा होना बहुत जरूरी है, वरना ये प्यार की बाजी उसके हाथ से निकल जाएगी। अब बॉब को सू की फीलिंग्स के बारे में नहीं पता चलेगा। गर्ल्स, ऐसी गलतियां मत दोहराना, वरना क्यूपिड का निशाना किसी और को लग जाएगा, जैसे कि गलती से टीचर पर। परफेक्ट डेट तब होती है जब एक लड़की को एक लड़के से कुछ बात करनी है। कितनी खूबसूरत शाम है, लेकिन जैसी का प्लान ऐसा बिल्कुल नहीं है। शेफ की तरफ से डिश के लिए कुछ सरप्राइज। वाओ, ये कितना रोमांटिक है। हे मेरे भगवान, रोमांस का नामो निशान नहीं बचा है। एक आम मकड़ी से एक लड़के को डराना कितना आसान है। जैसी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बूमरांग इफेक्ट बहुत ट्रिकी है। उसे अपने बालों का ख्याल रखना होगा। इंस्टाग्राम के लाइक्स के लिए मुकाबला एक रियल चैलेंज है, लेकिन जैसी के पास क्रिएटिव फोटोज के आइडिया हमेशा होते हैं। फोकल लेंथ के साथ थोड़ा सा खेलो, स्किटल्स लगाओ और कूल फोटोज तैयार हैं। थोड़ी सी प्रोसेसिंग और वो इसे अपलोड कर सकती है। ओ, हार्ट्स और कमेंट्स की बारिश आ गई है। एक सच्ची चुनौती वाली सफलता ऐसी ही होती है। अब सू जैसी का रिकॉर्ड कैसे तोड़ेगी? ओ, वो पिंक पैंथर, उसे स्केल साइज से चौंकाना होगा। M&M की एक विशाल फिट बॉल कैसी रहेगी? लेकिन आइडिया फोटो से ज्यादा दिलचस्प निकल कर आया है। सू को चिंता नहीं करनी चाहिए, एक दिन वो भी लकी होगी। ड्राइंग सोच को अच्छे से विकसित करती है। जैसी ने पहले से ही पिंक ड्रेस में गुलाबी फोटोशूट की तैयारी की थी, और वैसे भी सू के बिना ये नहीं हो सकता। उसे एक मास्टरपीस खराब करना अच्छे से आता है। ये गोल्ड ग्लिटर्स फिर से। अब टीचर क्या कहेगा? ओ नहीं, एक एफ नहीं। सू ने क्या ड्रॉ किया? बहुत हुआ। उसे अपनी ही ड्राइंग्स देखनी चाहिए। एक लड़के का ध्यान जीतने के लिए गर्ल्स कुछ भी करने को तैयार हैं। सबसे प्यारी ट्रिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। वैसे लगता है कर्मा ने जैसी को पकड़ लिया। अगली बार उसे अपने बालों को और अच्छे से बांधना होगा, वरना वो अपने बालों को स्कूल में हर जगह ढूंढती रहेगी। खुली आंखों का सपना टूट गया। बॉब के साथ डेट भी। लड़कों को हमेशा फिट शेप पसंद आती है। उसे और ज्यादा स्क्वाट्स करने होंगे, लेकिन जब बॉब जिम में आता है, ट्रेनिंग को भुला दिया जाता है। हे बॉब, सू को ध्यान रखना होगा, वरना वो सभी अच्छे लड़कों को भगा देगी। जोड़े में ट्रेनिंग करना ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन जब तीसरा आ जाए तो फिर कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं। इस रबर मुकाबले में विजेता होना मुश्किल है। क्या स्टिकी निराशा है। गर्ल्स ने अपने राजकुमार को फिर खो दिया। घर पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बॉब को देखने का एक और बहाना है। एक कॉमन कॉज दोनों को हमेशा एक साथ लाता है। जैसी को भी अपने सपनों के राजकुमार के साथ काम करने में कोई हर्ज नहीं है। ये मेहमान के लिए दरवाजा खोलने का समय है। एक मीठा सरप्राइज कैसा रहेगा, लेकिन दुश्मन की गुलाबी लिखावट हमेशा पहचान ली जाती है। सू को अनएक्सपेक्टेड डेजर्ट को मिटाना आता है। स्पेस की एक टिकट सॉल्यूशन है। अब सू को बॉब के साथ होने से कोई नहीं रोक सकता। फ्लाइट अच्छी रहे जैसी। पार्टी पूरे जोश में है, सभी का मूड बढ़िया है, जैसी के अलावा। वो सोचती है काश वो सू की जगह पर होती, लेकिन रॉस की कुछ ट्रिक से शायद उसकी शाम बच सकती है। अगर ठीक है,
सुंदर लड़की सुंदर फूल। चलो मुस्कुराओ, एक हिप्नोसिस सेशन के बारे में क्या? जैसी अब जैसी नहीं रहेगी और वो सू को हरा सकती है। बॉब आखिरकार उसे ही चुनेगा। ये काम पर लगने का समय है। अपने सपनों के लड़के के साथ कितनी खूबसूरत शाम है। बस इस पार्टी में एक डॉग कौन लाया? लगता है जादूगर ने थोड़ा ज्यादा कर दिया। हे मेरे भगवान, कितना शर्मनाक है। ये तो अच्छा हुआ कि बॉब को एक लड़की का सामना करना आता है। जैसी ने बॉब को अपने घर पर बुलाया है। गुलाबी लड़कियों के तो चिप्स में उनके बाल के रंग वाले होते हैं। हर लड़की ऐसी शाम का सपना देखती है। उन्हें एक दिलचस्प मूवी ढूंढनी होगी। लेकिन ये क्या है, सू के बिना घर पर भी अकेले नहीं हो सकते। ये सुनहरी लड़की जैसी का टीवी में भी पीछा नहीं छोड़ सकती। उसने ये ऑडिशन पास भी कैसे कर लिया? गर्ल्स लड़ो मत, लड़कों को लड़ाकू लड़कियां पसंद नहीं आती। ये अच्छा है कि जैसी को अपने दुश्मनों को मिटाना आता है। एक बटन और एक परफेक्ट डेट खराब भी। अकेले लंच के मजे लेना अच्छा है, लेकिन इन सुंदरी ने बॉब को यहाँ भी ढूंढ लिया। वो क्या चुनेगा, एक मिठाइयों का समुद्र या एक सेहतमंद सीरियल? लेकिन किसी ने फिर बहुत ज्यादा कर दिया। क्या ट्विस्ट है, जाहिर तौर पर जैसी को एक नया नजरिया मिला। गर्ल्स को सपने देखने से प्यार है, खासकर सोने जाने से पहले। जब लड़की लगातार एक सुंदर लड़के के बारे में सोच रही हो तो सपना बहुत अलग हो सकता है। जैसी का सपना एक सुनहरे भयानक सपने जैसा है। सांस लो हानी। सू भी सपने देखती है। आज भी उसके लिए सोना मुश्किल है। कितना उत्साहित पल है। ये हर लड़की का सपना है। बेटी गुलाबी में क्या भयानक सपना है। जब एक पार्टी में जाने का समय है, सभी को परफेक्ट दिखना होता है। एक खूबसूरत चेहरे के लिए एक मास्क काफी नहीं। अरे नहीं, ये खत्म हो गया। शुक्र है घर पर योगर्ट है। सू को भी पार्टी में चमकना है। क्या चुने, ये मिल गया परफेक्ट आउटफिट। खैर नहीं, अब उसे इसे सिलना होगा। सिलने की कला काम नहीं आई तो उसे दूसरा रास्ता चुनना होगा। आउटफिट को एक प्रोफेशनल के पास ले जाना बेहतर होगा। ज्वेलर का थोड़ा सा जादू और ड्रेस बच गई। ये पार्टी के लिए तैयार होने का समय है। सुबह सुबह ये मनपसंद कॉफी के मजे लेने का समय है। हे, ये क्या है? और गुलाबी फोम कहाँ है? लगता है जैसी को गोल्डन केटल से एलर्जी है। अब साफ हुआ कि रेस्टोरेंट में गोल्ड डस्ट कहाँ से आया। पिंक ब्यूटी को एलर्जिस्ट के पास जाना होगा। उप्स, ये गुलाबी दीवानापन तो एक दूसरे में फैल भी जाता है। मुसीबत का नामो निशान नहीं था, जैसे कि आम छाम थी। सावधान सावधान, एजेंट सू गोल्ड डस्ट के खुफिया ऑपरेशन पर है। उसके पास एक जरूरी मकसद है, जैसे कि जिंदगी में थोड़ा स्पार्कल जोड़ना। स्किन को हाइड्रेट करने का समय है और अब सपने देखने का समय। एक नया दिन, इसका मतलब वो बॉब से बहुत जल्दी मिल सकती है।
ये तैयार होने का समय है। ओ नहीं, ये क्या है? अब वो उसे कैसे धोएगी? प्यारे लोगों के साथ तस्वीरें हमेशा खास होती हैं, लेकिन सू को बॉब के साथ तस्वीर में कोई हर्ज नहीं है। अपने प्यार के लिए एक लड़की क्या नहीं करेगी। वैसे इतने हैंडसम आदमी को कैसे छोड़ा जाए, ये तो पहली नजर का प्यार है। अब सू का विश कार्ड खत्म हुआ, क्या कलेक्शन है। एक्स डे आ गया। बॉब का बहुत इंतजार के बाद आया मैसेज। क्या वो फैसला करेगा कि आज उसने किसे चुना। गर्ल्स को उसके फैसले का पहले से ही इंतजार है। क्या वो पिंक जेसी है या गोल्डन सू। लगता है बॉब प्यार का इजहार नहीं करेगा। लेकिन ये क्या, बॉब की गर्लफ्रेंड है। गर्ल्स को ऐसे नालायक लड़कों की परवाह नहीं करनी चाहिए। शायद ये उनके कुछ दोस्त बनाने का समय है।